ये रामलीला हो रही है जी पिछले 40 वर्षों से। मैं राम का पात्र निभा रहा हूँ पिछले 16 वर्षों से। ऐ दुष्ट रावण, अब तेरे पापों का घड़ा भर आया है जो तूने सोते हुए सिंह को जगाया है। याद रख, यदि मैं राम हूँ तो इस अपमान के बदले तेरा वंश मिटा दूंगा। और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सीता, मतलब इन रियल लाइफ भी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि सीता का रोल मिला है पहली बार। और वैसे भी मैं एकदम सिंपल रहती हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है सीता के जैसे रहना। बिल्कुल, जब हम प्रभु राम श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमने पूरा अपना जीवन अर्पण कर दिया हम लोगों ने। आज मुझे 25 साल हो गए, मैं 10 साल की उम्र से यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। तो हमने शुरू से ही जो इनकी सेवा करा तो हमें मेवा मिला है। जब हम पात्र करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम खुद ही लक्ष्मण हैं। ये रेख उल्लंघन करके जो रेखा के भीतर आएगा है आन उसे भी लक्ष्मण की, वो यही बस मौज जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं मंगोलपुरी के रामलीला ग्राउंड पे। रामलीला का मंचन चल रहा है और आज हमारे साथ यहां पे मौजूद है रामलीला के किरदार निभाने वाले कलाकार। राम है, लक्ष्मण है और साथ में सीता है। आप यहाँ पे कितने वर्षों से अभिनय कर रहे? ये रामलीला हो रही है जी पिछले 40 वर्षों से। मैं राम का पात्र निभा रहा हूँ पिछले 16 वर्षों से। जी क्या कुछ राम जिनको जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है उनका किरदार निभाते हुए किस तरह की जो अनुभूति है वो महसूस? राम का किरदार निभाता, राम का तो नाम ही सबसे बड़ा है जी। इतना पावन राम है कि उनका 1% भी, एक मैं कह रहा हूँ अपने जीवन में 1% भी आ जाए तो हमारा जीवन संपूर्ण हो जाए। बिल्कुल, राम का किरदार एक संदेश है, एक पिता की आज्ञा मानना, एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श पे चलना बहुत बड़ी मतलब कामयाबी है। मैं कह रहा हूँ 1% भी हमारे जीवन में ये चीज़ आ जाए बहुत बढ़िया है। और हम इस चीज़ को जब इस रोल पात्र में आते हैं तो हमारे ऊपर एक प्रभु श्री राम की कृपा होती है कि बिल्कुल हमारा बिल्कुल हम सोचते उसी पात्र पर हम उतर के आ रहे हैं, उसी में उतर के आ जाते हैं। अच्छा, साथ साथ में अगर बात की जाए जिस तरह से आप किरदार निभाते हैं, कोई भी ऐसा डायलॉग जो राम का है जो आपको बहुत प्रिय हो? जरूर जी, भगवान श्री राम को कभी भी गुस्सा नहीं आया, लेकिन उनको अपने जीवन में एक ही बार गुस्सा आया जहाँ तक मैं समझता हूँ, जब रावण ने जटायु राज के पंख काट दिए पक्षियों पर हमला करके, तब रावण भगवान श्री राम को गुस्सा आया। तब उन्होंने बोला था, ऐ दुष्ट रावण, अब तेरे पापों का घड़ा भर आया है जो तूने सोते हुए सिंह को जगाया है। याद रख, यदि मैं राम हूँ तो इस अपमान के बदले तेरा वंश मिटा दूंगा और तेरी लंका की ईंट से ईंट बजा दूंगा। आन है रघुवंश की मुझको, सौगंध कुल के मान की, जान की ग्राहक बनेगी दुष्ट तेरे जान की। जो बचाने को तुझे ब्रह्मांड चलकर आएगा, राम के हाथों से तो फिर भी ना बच पाएगा। साथ साथ में सीता भी आई है, उनसे भी बात कर लेते हैं, किस तरह की अनुभूति महसूस हो रही है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अभी मेरा फर्स्ट टाइम है तो हाँ। और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सीता, मतलब इन रियल लाइफ भी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि सीता का रोल मिला है पहली बार। और वैसे भी मैं एकदम सिंपल रहती हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है सीता के जैसे रहना और एकदम सिंपल रहना, सिंपल स्वभाव में। सीता का जो किरदार है अगर देखा जाए जीवन में क्या सीख देता है? सीता का किरदार यही सीख देता है कि कभी भी अपने मतलब पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और जैसी भी घड़ी हो, चाहे अच्छी हो बुरी हो, हमें मतलब अपने परिवार का कहना मानना चाहिए और परिवार की ही सुननी चाहिए और अपने पति का हमेशा साथ देना चाहिए। अच्छा, साथ साथ में एक सवाल आपसे और करना चाहती हूँ, क्या कहना चाहती हैं सीता का किरदार निभाते निभाते जिस तरह से आपने अनुभव किया, क्या कहना चाहती हैं आने वाली जो युवा पीढ़ी है उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? आदर्श के लड़कियों को यही संदेश देना चाहती हूँ जो मतलब आजकल सब अपनी फैमिली को छोड़ के अपने गुमान में रहते हैं, वो सब ना करें, अपनी फैमिली के साथ रहें, अपने कई केसेस ऐसे सुनने में आ रहे हैं कि लड़की को जॉब मिल गई उसने हस्बैंड को छोड़ दिया, तो ये सब नहीं होना चाहिए क्योंकि लाइफ में सबसे पहली चीज़ होती है उनके पति, जो उनका पति परमेश्वर होता है, और उनसे ज़्यादा बड़ी चीज़ और कुछ नहीं होती, तो अपनी फैमिली को सबसे ऊपर रखना चाहिए।
आप किरदार निभा रहे हैं राम के छोटे भाई लक्ष्मण, बहुत गुस्सा आता था उनको, तो जब आप ये अभिनय निभाते हैं कि आपको भी उतना ही गुस्सा आता है? बिल्कुल, जब हम अभी राम श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमने पूरा अपना जीवन अर्पण कर दिया हम लोगों ने, आज मुझे 25 साल हो गए, मैं 10 साल की उम्र से यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, तो हमने शुरू से ही जो इनकी सेवा करा तो हमें मेवा मिला है। जब हम पात्र करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम खुद ही लक्ष्मण हैं, लेकिन हमारे उनके आगे कुछ भी नहीं है। बाकी प्रभु राम ने जो हमारे को इस रोल का पात्र करने का मौका दिया, ये प्रभु राम की हम बहुत बड़ी कृपा मानते हैं कि हमें इस पात्र का मौका दिया। बाकी गुस्से की बात रही, ये हमारा पात्र है, ये हमें दिखाना पड़ेगा ऑडियंस को, पब्लिक को, ये संदेश है हमारा। हर साल रामायण इसलिए दिखाई जाती है कि रामायण को भूले ना कोई, आज कोई भूल जाएगा रामायण तो सभ्यता भूल जाएगी दुनिया, इसीलिए रामायण दिखाई जाती है बार बार, इसलिए बार बार रावण मारा जाता है, क्योंकि हर घर में अब राम पैदा नहीं हो रहा, हर घर में रावण पैदा हो रहा है, इसीलिए रामायण दिखाई जाती है कि रावण खत्म करके राम पैदा होया घर में। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। साथ साथ में एक और है, राम लक्ष्मण जो दो भाई रहे हैं, उनका जो प्यार है और जो आदर है लक्ष्मण का राम के प्रति, वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है आजकल के समय में, क्या लगता है वही देखने को मिलता है? नहीं, आजकल के समय तो नहीं मिलता, बिल्कुल भी देखने को कहीं नहीं मिलता आजकल के समय। सिर्फ एक प्रयास है, ये हम इसको दोबारा क्यों दिखाते हैं, सिर्फ यही जताते हैं दुनिया को कि भाई जैसे राम भगवान, सीता माता और लक्ष्मण, ये तीनों जैसे रहते थे, पूरा परिवार का जैसे रहता था, भरत जी, शत्रुघ्न जी, ये पूरा परिवार जैसे रहता था, ऐसे आज की दुनिया में रहे ना तो इस दुनिया में किसी का बुरा नहीं हो सकता। जो आज इतनी दुनिया में बुराई हो रही है, कोई किसी की लड़की कहीं मतलब गलत चल रही है तो लड़का गलत चल रहा है, किसी का परिवार ख़राब हो रहा है एक दूसरे के पीछे, ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन लोग बाग इसको मनोरंजक तरीके से देखते हैं, मनोरंजन तरीके से, अगर उनको दिल से देखें, प्रभु राम समझ के देखें, सीता माता समझ के देखें और लक्ष्मण यदि समझ के देखें, तो शायद दुनिया में कुछ थोड़ा बदलाव आए। क्या लगता है जिस तरह से आजकल देखा जाए कि एकल परिवार हो रहे हैं, ज्वाइंट फैमिली में कोई नहीं रहना चाहता, संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहता, तो कहीं ना कहीं जब यहाँ पे माता पिता अपने बच्चों को लेकर आते हैं, क्या लगता है जागरूक होते होंगे वो बच्चे कल को आने वाले जो युवा पीढ़ी है अपनी संस्कृति को लेकर? माता हो तो जितनी माता बहनें आती हैं, वो जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, वो तो दिल से बिल्कुल रामायण को रामायण मानते हैं। बाकी जो आजकल देखने आ रहे हैं उनके मन की हम कह नहीं सकते, वो सिर्फ मेकअप देखने आते हैं, स्टेज देखने आते हैं, मेला देखने आते हैं। हम तो यही संदेश देंगे, दिल से रामायण देखो, दिल से रामायण पढ़ो, एक बार पढ़ोगे और देखोगे तो शायद अपने अंदर बदलाव लाओगे तो शायद आपका जीवन सफल होगा। चलते चलते लक्ष्मण के किरदार का कोई भी ऐसा डायलॉग जो आपको बहुत, सीता माता को जब लक्ष्मण जी राम जो भगवान मेरे को मारने जाते हैं तो सीता माता को रेखा के भीतर छोड़ के जाते हैं, तो रेखा खींचने के बाद वो एक डायलॉग बोलते हैं, ये रेख उल्लंघन करके जो रेखा के भीतर आएगा है आन उसे भी लक्ष्मण की, वो यही बस मौज जाएगा। बस इतना ही है। आपका नाम? मेरा नवीन। नवीन, और आप? सतपाल नरूला। राम का किरदार आप निभा रहे हैं, आपका? मेरा नाम सिमरन है। सिमरन, सीता का किरदार निभा रहे। इस खबर में फिलहाल इतना ही, ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।